देखिए पिछले वीडियो में वॉइस में बताया गया आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वॉइस। अब इस वीडियो में आपको बताते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वॉइस कैसे बनती है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज अवेयर होती है। तो उसमें भी बताया गया पहले भी कि कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए सीधे वही करते हैं, वही हेल्पिंग वर्ब प्लस साथ में बीइंग लगा देते हैं, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज अवेयर प्लस बीइंग। बाकी तरीका हमारा वही रहेगा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते थे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो उसी तरीके से हम चलेंगे। तो देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सबसे पहले हम कर्म को कर्ता बनाएंगे, प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं इसके अनुसार हम कैसे बनाते हैं। जैसे जैसे कह दिया जाए ही वाज बीटिंग मी, ही वाज बीटिंग मी, इसे हमें चेंज करना है। तो इसे जब चेंज करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है मी, तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आई, आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे वाज, आई वाज। अब वाज या वेयर में से किसी एक को लगाना है लेकिन बीइंग सबके साथ कंपलसरी है, तो यहाँ पे लगा देंगे बीइंग, आई वाज बीइंग। अब बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाई, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट है ही तो ही का हम ऑब्जेक्टिव केस रख देंगे हिम, ये हो गया। आगे जैसे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कैसे होगा, सी वाज कुकिंग फूड, सी वाज कुकिंग फूड, ये है। तो इसे जब हमें चेंज करना है तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा फूड, तो फूड को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो फूड वाज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब क्या है कुक, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड बाई, अब सी का ऑब्जेक्टिव केस बाई हर, ये हो गया फूड वाज बीइंग कुक्ड बाई हर। आगे जैसे देखते हैं ये जैसे ही वाज स्टीलिंग द जाम, ही वाज स्टीलिंग द जाम, तो इसे जब चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जाम, जाम को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा जाम, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज बीइंग स्टील, स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन, बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस बाई हिम। अब देखिए इसी में थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर यही वाक्य हमारे निगेटिव हो जाएं, यही वाक्य निगेटिव हो जाएं तो उन्हें कैसे करते हैं। निगेटिव में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, केवल एक चीज़ का अंतर आता है नाट का, और वो नाट लगेगा कहाँ पे ये जान लेते हैं बस, बाकी पूरा हमारा इसी तरह रहेगा, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, सीधे से वाज या वेयर के बाद तथा बीइंग के पहले हमारा नाट लग जाएगा बस, बाकी पूरा हमारा उसी तरह सेम रहेगा। जैसे देखते हैं यानी स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नाट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब जैसे देखते हैं जैसे कैसे इसे किया जाएगा, जैसे कह दिया जाए आई वाज नाट रीडिंग
नावेल, आई वॉज नॉट रीडिंग नावेल, मैं उपन्यास नहीं पढ़ रहा था। इसे जब चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, नावेल, तो इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा नावेल। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाज निगेटिव है तो वाज या वेयर के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट बीइंग। अब रीड की थर्ड फॉर्म वही होती है, उच्चारण बस चेंज होता है, रेड बाई आई का कर्म कारक मी, यही अंतर होता है। निगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर के बाद तथा बीइंग के पहले नॉट लग जाता है, बस।